नया दिन एक नया सवेरा हमेशा होता है। बहुत अच्छी चीज़ यार इनका, ये खुलेगा खुलेगा। अरे आने से तो लिफ्ट को ऊपर एल एल, ये तो कॉमेडी हो गया। टीम है ब्लिच एक्स भाई, इनको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर में, हम देखना चाहेंगे जरूर बड़ी बड़ी टीमों के साथ इन टीम का भी नाम, क्योंकि बंदा बहुत अच्छा है। Hi guys, welcome to a new day. So, आज डे टू है BMPS का, और कल ग्लिचेक से बहुत ही अच्छा खेला। आई मीन बहुत सारी टीम ने अच्छा खेला, पर ग्लिचेक ने अलग तरीके से खेला है। एक चिकन डिनर एंड देन वी आर ऑन द टेबल ऑन फोर्थ पोजीशन, ओवरऑल स्टैंडिंग हम लोग फोर्थ पोजीशन पे। पहले तीन मैचेस बहुत ही अच्छे रहे, एंड देन जो बाकी के तीन मैचेस थे उसमें सो किया हमने। बट एनीवेज, एक नया दिन एक नया सवेरा हमेशा होता है। सो अभी सेकंड डे के लिए हम निकलने वाले वेन्यू के लिए, हम नहीं लेकिन प्लेयर्स अभी निकल रहे थोड़ी देर में, और मैं जा रहा हूँ जिम, थोड़ा जिम हिट करते हैं, और एक्चुअली जिम मिस हो गया दो तीन दिन से। तो इवेंट पे मोस्टली मिलेंगे सबको एक साथ करके, अभी फटाफट जिम हिट करते हैं। और बेस्ट पार्ट यह है कि कल मैं रात को जब आया वेन्यू से, तुरंत एडिट करने बैठ गया, तुरंत एडिट करके हो भी गया लकीली, एक डेढ़ घंटा लग गया एडिट करते करते। बट यही मज़ा था कि अब भी सुबह उठ के मैं आराम से फ्रेश हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। और नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने तुरंत, और अभी प्लेयर्स गए हैं रेडी वेडी होने, सब लोग एक एक करके रूम में। और बस आज के लिए इतना ही, आज देखते टीम कैसा खेलती है, आई होप अच्छा ही खेले, क्योंकि बहुत अच्छे पोजीशन में बैठे हैं और बहुत अच्छा बेस क्रिएट किया हमने। एनीवेज, मिलते हैं थोड़ी देर में। एक खुलेगा खुलेगा। अरे आने से तो लिफ्ट को ऊपर एल एल, तो डेड मैन आ चुका है एंड थोड़ा सा ब्रीफिंग चल रहा है टीम्स के साथ। तो गाइस जिम करने आ गए हैं, थोड़ा जिम में हिट करते हैं। बहुत अच्छी जिम है यार इनका। इसमें अभी जिम करते करते ये रियलाइज किया, इनके पास ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स हैं, बेसिक जो नीड्स होने चाहिए एक जिम के अंदर, बेसिक से तो बेटर ही है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ रॉड्स, एंड अभी भी बहुत सारे डिसेंट नंबर में है। यूजुअली ये होता है ना कि कई बार जिम होते हैं तो वहाँ पे कुछ वेट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, बट यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, एंड द जिम इज ऑल्सो रियली गुड। मैं अभी नीचे आया था ऑर्डर लेने के लिए डेड मैन के लिए। डेड मैन जो स्वपील सर हैं ग्लिचेक्स के ओनर, वो एक्चुअली गए थे कुछ काम से बाहर, तो उन्होंने बोला कि उनको ऑर्डर लेने के लिए मैकडॉनल्ड्स से उन्होंने ऑर्डर किया था। अब यूँ हो गया है कि मैं 15 मिनट से खड़ा था और वो डिलीवरी वाला बंदा आया नहीं, बट उसके बाद ना एक डिलीवरी वाला आया जो जोमेटो वाला था। अब वो जोमेटो वाला तुरंत आते ही मुझे सुना रहा है कि 25 कॉल किए आपको, ये आप फ़ोन के लिए उठा रहे हो। मैं बोला भाई कॉल ही नहीं आया कहाँ से, फिर वो सुना रहा है, मैं उसको भाई दो मिनट रुक, वो 2 मिनट भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। एंड देन मैंने ऑर्डर नंबर मंगवाया, वो ऑर्डर मेरा था भी नहीं, तो भी मैं सुन के ले लिया उससे, वाह। और उसके बाद एक और जो ब्लंडर ये हुआ है कि एक बंदा आया, उसको इंस्ट्रक्ट किया था जोमेटो वाले को कि एक अमन करके आएगा बंदा, आप उसको दे देना। अब एक बंदा आया और ये हो गया कि उस बंदे का नाम भी अमन था, और उसने पता नहीं क्या डिलीवरी वाले का नाम लिया, और डिलीवरी वाले को लगा कि यही वो बंदा है जिसको ऑर्डर देना है, यही वो अमन है, तो ऑर्डर उसके साथ चला गया। और डिलीवरी वाला इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा है कि नहीं मैंने दे दिया अमन को, मैंने दे दिया अमन को, तो अभी देखना पड़ेगा क्या है, वापस से ऑर्डर करना पड़ेगा मैकडॉनल्ड्स। यार ये गजब हो गया अहमदाबाद में आके। एंड अभी सारे प्लेयर्स जा चुके वेन्यू पे, अभी थोड़ा खाएंगे पियेंगे सब साथ में। तो आज हम निकले हैं स्कूटी पे, और ये है बनी, इनका इन गेम नेम बनी है, रियल नेम वंदित है। सो सीन ये है कि हम जाने वाले थे कार में, पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो बर्गर का सीन हो गया, तो सर ने बोला आगे पहुंचो, हम एरिना तो पहुंच ही गए। तो कमेंट्री चालू हो चुकी है सेकेंड डे की, और आकाश सामने है हमारे लिए, तो BMPS सेकेंड डे गाइस आज ये है। फिलहाल ज़्यादा लोग तो नहीं दिख रहे हैं, बट एनीवेज यहाँ पे सारे कास्टर्स हैं, ये सारे खिलाड़ी तैयार अपने पहले मुकाबले के लिए, और अगर थोड़ी प्रेडिक्शन कर दी जाए तो और एंकी बॉट मजा सा आ जाएगा। पहले और दूसरे पायदान के बीच में अब और कितना बढ़ा सकते हैं इस मुकाबले को मिलेगी आज के दिन के पहले मुकाबले में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला रंगल का मुकाबला।
आपके कास्ट से जुड़ेंगे आपके साथ एंकी द पॉट साथ होंगे स्पीरो थैंक यू सो मच मेजी बहुत नवरत्नोए यास्निया पोलियाना जो जाती है उनके लिए थोड़ी मुश्किलें तो जरूर होंगी देखिए हमने उनका प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन है वहां पे जाते हुए नजर आएंगे या फिर एक सेकेंडरी ड्रॉप लोकेशन जो मुझिया और साथ ही साथ जेजेक्स रिबॉन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड कल के दिन के तीन मुकाबलों के बाद टॉप ऑफ द टेबल ये टीम हमें देखने को मिल रही थी अगले तीन मुकाबले काफी साधारण जाते हुए नजर आए और इसीलिए अब वो चौथे पायदान पे खिसक चुके हैं अभी मेरे को याद आ रहा है वो आखिरी दिन जहाँ पे ग्लिचेक्स रिबॉन को बहुत सारे अंकों की आवश्यकता थी और वो चिकन डिनर निकाल करके गए थे और फिर वहां से उन्होंने अपना जो राह है वो तय किया टॉप 16 के अंदर और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट के मुकाबले में अपने आप को ग्रैंड फाइनल्स तक पहुंचाया ऐसा लग रहा था कि वो चिकन डिनर के साथ ही शुरुआत भी करना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया गेम प्ले बट उसके बाद वो गिरावट आई है कल जब वापस गए होंगे स्टेडियम से दोबारा से देखी होगी स्ट्रीम समझा होगा कि वो गलतियां कहां की गई कैलकुलेशंस की गई होंगी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बढ़िया कमबैक ग्लिचेक्स रिबॉन के द्वारा भी देखने को मिल सकता है कि अगर कल के खेलना पड़ेगा जी और टीम एक्स पार्क टॉप 3 के अंदर भी अगर मैच हुआ तो फिफ्थ पोजीशन पे है देखते हैं सेकंड मैच का क्या सीन बनता है जीरो किल्स थे इसमें बट बहुत रेकलेस मिस्टेक्स हुए बट लेट्स सी सॉरी माफ करिए जल्दी से रिपोर्ट स्टार्टिंग की तरफ और जाते हैं कि टीम ब्लैक 28 अंकों के साथ वीआईपी में बैठने का क्योंकि ग्लिचेक्स रिबॉन ने कल जो अपने असली रंग दिखाए थे वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दिखाया था और आप देखिए जो भी मुकाबला उन्होंने खेला है ऐसा नहीं है कि सॉरी सिर्फ प्लेसमेंट के अंक को लेके गए फिनिशेस की मात्रा भी उनके पास काफी ज्यादा हमें देखने को मिली थी लोकेशन तक कैसे भी पहुंच पाए और देखिए गाड़ी इकट्ठा करना जरूरी है पर कम से कम वो ड्रॉप क्लैशेस में फंसना और वहां पर अपना एक खिलाड़ी को देना फिर वहां से तीन खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल देखिए मुश्किल तो है बट वहां पे दो प्लेयर्स गवाने के दुनिया में ये प्यार सुनाई देना चाहिए कम ऑन अहमदाबाद एंड इस गेम से जुड़े बहुत सारे गेमर्स हैं प्रोफेशनल गेमर्स हैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको भी आप प्यार देते हैं सो अभी हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की ऐसे इंसान है हु इज गोना जॉइन अस ऑन स्टेज सो लेडीज एंड जेंटलमैन अहमदाबाद प्लीज मेक सम नॉइज शो सम लव एंड लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली So we have the dead man with us. दो शब्द बोलो फटाक से. Just looking forward to my team to play well. They are doing well. And try to be in top one. Okay. As they were yesterday. As of now, I think we are at hashtag 3. Yes, we are hashtag 3. Yes, so we're looking at hashtag 1 again. Okay. So hoping for the best. Okay. And see you guys soon. Yes. So आज का second match start हो चुका है. As of now, no casualties yet, but players अच्छा खेल रहे हैं. किसी का health गया नहीं है. देखिए अब zone का edge है. यहाँ से ज्यादा वैल्यू आप निकाल सकते हैं पर टीम बहुत अच्छे से बना सकते हैं टीम एक्सपास के खिलाफ और आप देखिए टीम साइज को भी तैयार रहेंगे उनको भी डाउन किया जाएगा रैल्फ के द्वारा रैल्फ के साथ फर्स्ट मैच रिसेंट खेले फिफ्थ पे आए सेकेंड मैच हम इलेवेंथ पे आए इलेवेंथ पोजिशन किए पता नहीं जोन हमारे फेवर में नहीं था पता नहीं क्या हो रहा है बॉयज के साथ बट आई थिंक वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट वो किस प्रकार से और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और हम बात करते भी हैं कि सैनोक का ये जो मैप रहता है ये थोड़ा सा ग्रैंड फाइनल्स की बात करें हम चर्चाएं कर रहे थे सविता के एडिशन की शुरुआती मैचेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए और ऐसा लग रहा था कि शायद एक साधारण सा ही गेम प्ले न्यूमन गेमिंग दिखा करके जाए बट फिर अडेप्ट किया मैच करने की दो मुकाबले और दोनों ही मुकाबले काफी बेहतर उनका भी जो उनके पास जाएगा ग्लिचेक्स रिबॉन वो वापस से बेहतर जो प्रदर्शन की स्ट्रीक है उसको कायम करते हुए नजर आएंगे चार फिनिशेस निकाल चुके हैं टॉप 7 के अंदर एंट्री बट अभी भी सर्कल एक बड़ा चैलेंज और आते आते वापस से वो फाइनल टीम का एलिमिनेशन देखने को मिला तो ये दिमाग में रखना रोमन बोल रहा है मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ तो देयर इज अ वैल्यू टू इट मतलब सब लोग वही सोच रहे ना तो तुम लोग इतना कॉन्शियस माइंड है एक्स्ट्रा करने का सोचेंगे ना तो एक्स्ट्रा सोचो मत एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ओरिएंटेड गेम प्ले एक्स्ट्रा ओरिएंटेड खेल प्ले वो मतलब ही नहीं बनता कंसिस्टेंसी इज व्हाट इज मैटर ये पड़ेगा अगर मैं इसे बोल रहा हूं कि ट्राई करो इसे बोल रहा हूं
बट रश मत करो, अगर कैजुअलिटी है तो थोड़ा स्कोर मारना ही पड़ेगा, तो जितना जिगरा रख के खेल सकते हो उतना खेलो, स्कोर मारते हो ना तो। मैं खुद बोलता हूँ तुम लोग अभी फियर मत रखो पॉइंट्स का, टेबल का, अपना नेचुरल गेम खेलो पूरा। मोमेंटम बिल्ड कर चुके और अब बड़े मुकाबले को निकालने की कोशिश करेंगे। नीचे थ्री बॉल का पहले भी वो करके दिखाया है और ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है, और साथ ही साथ एक एडवांटेज जो उनके पास है कि वो ऑलरेडी लैन इवेंट खेल चुके हैं, तो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, अडैप्ट कैसे करना है, वो उनको बहुत बेहतर तरीके से आता है। विकेंडी का आपके कास्टर फ्रैंकी बॉट और साथ में स्पीगो जुड़ेंगे इस मैच के लिए। थैंक यू सो मच मेजी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीम्स ऑफ नॉर्दर्न साइड जा चुकी हैं जी, सदर्न साइड रोटेशंस इतनी आसान होती नहीं है। एंड विकेंडी की अगर बात करें यहाँ की, हमने बहुत बार देखा है कि शुरुआत में फाइट्स नहीं होती लंबे, देखिए बनता भी जरूर है, फिनिश भी रीड करी गई है, पता है अपोनेंट्स इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं, पर मुश्किलें पड़ेंगी, कॉब्लिन को डाउन किया जाएगा, बॉल लगते हैं, रिवाइवल की संभावना है, बनती भी नहीं है, बताओ 2v4 की सिचुएशन, ग्लिच एक्स रीबॉन, दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। रोमनोजी सामने प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट वो कनेक्शन नहीं रुकता है, बट नहीं होता, बट बस दैट शॉट, दैट शॉट वाज एवरीथिंग, जंप शॉट दिया, एक प्लेयर को डाउन किया, बट ग्लिच, क्या वो यहाँ पे अपने प्लेयर को बचा पाएंगे, क्या वो पहला नॉक निकाल पाएंगे, जी हाँ वो नॉक निकालेंगे, ड्यूक वो नेट करेगा अपना काम, बट नियो अब बचते हैं वो आखिरी खिलाड़ी, नेट उनके ऊपर भी आएंगे, जंप शॉट उनके ऊपर भी आएंगे, और वो जंप शॉट खत्म भी करेगा सोंग नियो को, ग्लिच एक्स रीबॉर्न। मैच की शुरुआत स्टेज वन के अंदर 6 फिनिशर्स उनके पास, जिसमें वो टीम्स हैं जिन्होंने अनथिंकेबल पहले किया है, आप ग्लिच के लिए एक सेफर एरिया में थ्रोइंग स्ट्रॉन्ग लाइट, वो भी जोन के बाद ही रहते हैं विकेंडी के इस मैच के अंदर, होल्ड करना उनको बहुत पसंद, बट ग्लैडिएटर्स, आप रोटेशन की बात करें, जोन प्रिडिक्शन की बात करें, दैट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि विकेंडी में जोन कहां जाएगा, बट ग्लैडिएटर्स होते हैं जहां पे थोड़ी बहुत गलतियां वो करते हुए नजर आते हैं, थोड़ी बहुत फाइट्स वो फोर्स करते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद वो बढ़त कई बार वो लूज भी कर चुके हैं, बट ये टूर्नामेंट जरूर से वो कुछ अलग करने की कोशिश करने वाले। ग्लिच एक्स रीबॉर्न, उनको पता है कि सामने खिलाड़ी मौजूद है, कुछ ग्रेनेड्स करने की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ 8bit CS की बात करें, मुश्किलें तो उनकी भी बढ़ाई जाती है। देखिए क्रिश के पास पूरा मौका कि यहां से वो फ्रैग्स निकाल पाए, स्प्रे को, और चलिए वो भी आखिरी प्लेयर बचे थे, वो भी खत्म कर दिए जाएंगे टीम हाइड्रा। ग्लिच एक्स रीबॉर्न के साथ आखिरकार वो गलत हो कहा रहा है, पहला जो इरांगल का मैच था वहां पे प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम खेला, वो फिनिशेस नहीं निकाले, और अभी कुछ फिनिशेस आ रहे हैं पर प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आए, पहले 2 चिकन डिनर 150 का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। ग्लैडिएटर्स ऐसे भी करके मैक्सिमम पॉइंट्स लेके आया जाए, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, हमने विकेंडी के नाम में भी वो चीज देखी, जहां पे पहले देखते कि विकेंडी की इनिशियली फाइट होती नहीं है, बट इस विकेंडी ने हर एक स्टेजेस पे वो जो फाइट है वो पनपती हुई नजर आई, इनिशियल फाइट हमें देखने को मिली, और ऐसे ही आपको बचा हुआ मिला है अपने रास्ते पर आगे। आप प्रीटी श्योर योर टीम इज ऑल्सो प्लेइंग फैंटास्टिक इनिशियल फाइट्स, रोटेशनल क्लैशेस, आई शुड से दे आर गोइंग टू बट, और ऐसा भी नहीं है कि मोमेंटली दे फोकसिंग ऑन द राइट पार्ट, कुछ गलत कर रहे हैं, मल्टी गेट डन पास नहीं आई और एक और फायदा जो आप यहाँ पर अगर एरिना में हमारे साथ मैचेस देखते हैं तो वी आई पीज के साथ आपको मिलने का मौका मिलता है, आप फोटोज खिंचा सकते हैं इन वी आई पीज के साथ, पर ओवरऑल मैचेस तो हर कोई एंजॉय कर ही रहा है, और इंडिया के सबसे बेस्ट टीम को वो सामने ट्रॉफी जो रखी हुई है उसको उठाते हुए आप देख पाएंगे कल के दिन पे। और समय के दौरान हमने बहुत सारे बैनर्स देखे, काफी ज्यादा प्यार देखा इन प्लेयर्स के लिए, काफी प्यार देखा क्रिएटर्स का, मेरी प्रेडिक्शन है कि ग्लैडिएटर्स एक बार फिर से, बिकॉज बिना मार में वो बहुत बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन करके दिखाते हैं, बट अभी के लिए सिचुएशंस बदल सकती हैं। टीम ब्लाइंड ने 2 प्लेयर्स गवाए, बट उसके बावजूद 2 प्लेयर्स ने वो पूरा गेम निकाला उनके लिए,
जोन का शिफ्ट आएगा इस बार। टॉप थ्री के प्रबल दावेदारी अभी तक तो न्यूमन के द्वारा पेश की गई है और इस पर्टिकुलर मैच में भी एमजी के द्वारा या फिर नॉक कोई कर रहा है, फिनिशेस कोई निकाल रहे हैं। बट इनसेन वर्सेस टीम एक्स पार्क, ये भी बैटल दूर दराज इलाके में चलती हुई, ये वो टीम है जो जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई, बेहतरीन ये प्रदर्शन करते हुए टीम है लिचेक्स। भाई इनको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर में, हम देखना चाहेंगे जरूर बड़ी बड़ी टीमों के साथ इन टीम का भी नाम, क्योंकि बंदा बहुत अच्छा है। ऐसे फिलहाल स्टैंडिंग क्या टीम की? अभी टॉप फाइव है है ना? है खेल लिए खेल लिए, आज थोड़ा गेम डगमगा गया लेकिन अच्छा खेल लिया, हो जाएगा। सर इसको सपोर्ट करना है, मैं इंडिया को सपोर्ट करना है। ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, सारी टीम अपनी, सारी टीम अपनी है, फुल इज्जत फुल इज्जत। ओके ओके, और थोड़ी सी चर्चाएं और की जाएंगी। टीम रेवेनेंट 2.0 के ऊपर वो फंसते हुए दिखाई दिए और टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स, आप उनको देखिए ग्लिचेस रिमोट जस्ट ऊपर उनके मौजूद है, रैल्फ डाउन करेंगे कुरनाल को और टीम टुगेदर ईस्पोर्ट्स इतना क्या चाहते हैं। ठीक है आपके पास वो गाड़ी है, उस गाड़ी से आप चले जाइए, दूसरे गाड़ी में क्या फ्यूल नहीं था और आप वो गाड़ी में बिठा के उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है और कोई एक खिलाड़ी जो आपको देख ले और वहां किया जाएगा। बट फियर्स ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट होप फॉर टीम रेमिनेंट, वहीं पे स्टार प्लेयर्स उनके सामने, एक डीपीएस टेक वन डाउन, फियर्स टेक टू डाउन। बहुत ही अच्छा रहा, ओवरऑल स्टैंडिंग हमारा अभी शायद फोर्थ या फिफ्थ है, अब कल पे देखते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा बेस बन गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम टॉप थ्री में रहे, अगर कल अच्छे गेम जाते हैं तो चांसेस है कि हम कप उठा सकते हैं। ब्लाइंड एक टीम है जो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है, कंसिस्टेंट है वो हर चीज़ के साथ। अभी वैसे तो हमने सिर्फ 3 खेल्स और 7 पोजिशन पर आए, नॉट बैड, बट अभी एक नॉट बैड बट देखते हैं अभी कैसा सीन बनता है। और मैं अभी श्रीमान लेजेंड से भी मिला तो उन्होंने भी कुछ थोड़ी बातें बताई बोली है जो अगले चेक्स के लिए, ये डिनर के लिए बना फॉर द प्लेयर्स। आपने अलग क्या किया? तो गाइस ये है टीम ब्लाइंड, इनका भी इंटरव्यू हो रहा है। अलग क्या चल रहा है आपकी टीम? इसका बेस्ट आंसर हमारे आइडियल सर भी दे सकते हैं। That was the day 2 for the BNPS. अब जाते हैं होटल ऑफिस, सारे प्लेयर्स के साथ एक बार बातचीत करते हैं कैसा वो फील कर रहे हैं, वो ले जाते हुए ट्रॉफी।